नमस्कार, मैं हूं कमलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल टेक्निकल फैमिली को। तो पोको के तरफ से आने वाला पोको M2 Pro आज भारत में लॉन्च हो चुका है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है ये बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, ये फोन आपको नहीं खरीदना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा सैमसंग का, दूसरे कंपनी का ले लीजिए, चाइनीज लेना ही नहीं है। सो बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आ जाता है डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया, जो HD+ डिस्प्ले है। साथ में इसमें आपको पंच होल आता है और साथ में 20.9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। साथ में इसके चिपसेट की बात की, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 720G चिपसेट दिया गया है। वह भी आपको 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा के साथ है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा, प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल आपको सेकेंड दूसरा कैमरा आता है जो वाइड एंगल लेंस है, तीसरा आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डीप सेंस के साथ आता है। वहीं में इसमें कैमरा में कई और सारे मोड भी दिए गए हैं, जिसमें आपको प्रो कलर मोड, प्रो वीडियो मोड, उसके बाद आपको रो मोड, इस प्रकार के लॉन्ग मोड, इस प्रकार के कई सारे आपको इस कैमरे में मोड दिया गया है। अब सेल्फी कैमरा की बात कर लेते हैं, तो इस फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का एक बेहतर सेल्फी, जिसे आप वीडियो चैट कर सकते हैं नॉर्मली। आजकल तो देख ही रहे, सभी जगह ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो ये उसके लिए बनाया गया। लेकिन ये मोबाइल लेना ही नहीं तो बात ही उसका छोड़िए। और साथ में इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई, जो काफी बड़ी बैटरी है। वह भी 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ। जी हाँ, 33 वाट की इसमें फास्ट चार्जिंग दिया गया है, जिससे काफी जल्दी इस आपके फोन चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसके स्टोरेज की अगर बात करें, तो आपको 3 वेरियंट दिया गया है, 6 GB, 64 GB, 6 GB, 4 GB, 64 GB और 6 GB, 128 GB। जिसमें आपको पहला इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करें, उसके बाद इसके प्राइस के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आपको Android 10 पे यह बेस्ट है, उसके बाद MIUI भी इसमें बेस्ट है। साथ में इसमें आपको Bluetooth 5.0 का सपोर्ट दिया गया है, और सबसे बेहतर बात जो आजकल हर फोन में आता है, वह भी USB Type-C का सपोर्ट दिया गया है। तो अब बात करें तो इसके प्राइस के बारे में, इन प्राइस से पहले इसमें कुछ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो ओपिनियन देना ही क्या है, ये तो आप लोग ने लेना नहीं है, ये बात मालूम है। लेकिन अगर कोई जिसे अपने देश से प्रेम नहीं है, जिसे अपने देश के विरुद्ध जाना है, वही यह फोन ले सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हमारा काम है टेक्नोलॉजी का चैनल, इसलिए मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही, इन आपको नॉलेज दूंगा जो दुनिया में क्या चला है, भारत में क्या चला है। लेकिन फोन आपको नहीं लेना। हाँ, अगर हम फोन तब लेते, अगर यह फोन भारत में मैन्युफैक्चर होता, तब यह पैसा भारत में रहता, थोड़ा मोड़ा जाता विदेश, लेकिन भारत बाकी सब भारत में रहता। लेकिन यह चाइना से असेंबल होकर के आता है। यह आपको दूसरे शाओमी की तरफ आने वाले एक और फोन है, उसी के जैसा इसका एक वेरियंट है, लेकिन कुछ थोड़ा मोड़ा चेंज करके दिया गया है। तो यही बात है, इसमें आपको डिस्प्ले जो है, इसमें आपको HD+ डिस्प्ले है शायद। हाँ, तो HD+ डिस्प्ले को कुछ खास नहीं पड़ता है। और साथ में इसमें आपको Snapdragon 720G प्रोसेसर दिया गया। यह प्रोसेसर काफी ज्यादा बेहतर प्रोसेसर है, यह कह सकता हूँ। और 4 कैमरा है, 48 मेगापिक्सल, 8.52, ये 2 मेगापिक्सल क्यों देता है पता ही नहीं चलता है। एप्पल को देख लो, 12 12 12 दे रहा है, और उसके कैमरा से ये खुद को कंपेयर करते हैं। इसका कैमरा क्या है, 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, ये क्या है? 48 के साथ 8 दो 12 दो 15 दो, ये सब दो, ये 2 मेगापिक्सल छोटा सा बस बिंदु सा नाम दे देते हैं। मैं आपको एक भविष्य वाले कैमरा का टेस्ट दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस, बस कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ता है, बस नाम के लिए कैमरा है। उसके बाद बात करें सेल्फी की, तो इसमें 16 16 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया, तो चलो ये भी ठीक है। लेकिन अगर बैटरी भी आपको 5000 mAh की दिया गया, 30 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ, तो यह भी ठीक ही है। और रैम स्टोरेज तो बता ही दिया। अब बात करें तो इसके अंतिम प्राइस के बारे में, तो जो पहला वेरियंट है 6 GB 4 GB 64 GB का, वह 13,999 रुपीज का दिया गया है। दूसरा 6 GB 64 GB का जो वेरियंट है, वह आपको 14,999 रुपीज का दिया गया है। और तीसरा जो वेरियंट है 6 GB 128 GB, वो आपको 16,999 रुपीज का दिया गया। यानी कि पहला वेरियंट 13,999 रुपीज का, दूसरा 14,999 रुपीज का, और तीसरा 16,999 रुपीज का। तो ये हो गया पूरे इस फोन के पूरे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।